तो हाय गाइज, इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ व राज्य, यानी कि भारत देश के अंदर जो पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं और वह राज्य हैं, तो उनको इस वीडियो के अंतर्गत शॉर्टकट वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है फ्रेंड्स, आपको शॉर्टकट भी ध्यान जरूरी है, शॉर्टकट भी याद रहना चाहिए, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखें और याद अवश्य करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में यहाँ से आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, बाहर मत जाना। तो कराकोरम, कैलाश श्रेणी, भारत व चीन, कहाँ पर है? कराकोरम, कैलाश श्रेणी, भारत व चीन के बीच में है फ्रेंड्स। लद्दाख श्रेणी कहाँ है? ध्यान रखना, लद्दाख श्रेणी है भारत देश के अंदर। लद्दाख श्रेणी कहाँ है? भारत देश के अंदर, ध्यान रखना। जास्कर श्रेणी कौन से राज्य में है? जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, जास्कर, जैसे जे, ध्यान रखना आप, ठीक है फ्रेंड्स। लद्दाख भारत, काराकोरम कैलाश श्रेणी भारत एवं चीन के बीच में, ठीक है। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल श्रेणी है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी, पीर पंजाल, देखो पीर पंजाल सीरियस ए सॉरी श्रेणी है ना, तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी कितनी ऊंचाई है? 7817। कहाँ पर है नंदा देवी? उत्तरांचल में फ्रेंड्स। धौलागिरी कहाँ पर है? कितनी ऊंचाई? 8172। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। धौलागिरी, धौलागिरी, नंदा देवी, नंदा देवी उत्तरांचल में, पीर पंजाल श्रेणी है जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में। और इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स गुरु शिखर की? 1722। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट 8848। कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट, ध्यान रखना कि 8848 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। खासी जयंतिया गारो पहाड़ियाँ, खासी, देखो जयंतिया गारो ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है? असम मेघालय में। कहाँ पर है? असम मेघालय, देखा होगा आपने नक्शा, असम का है मेघालय उस जगह, ये है पहाड़ियाँ हैं। नागा पहाड़ी की बात करते हैं तो नागालैंड के अंदर नागा पहाड़ी आपको मिलेगी, ऑप्शन में टिक कर देना नागा पहाड़ी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आपको लाइक तो ज़रूर, लाइक नहीं सब्सक्राइब करो चैनल को डायरेक्ट। अरावली श्रेणी की बात करते हैं भायाओं, अरावली श्रेणी चे भायाओं गुजरात, राजस्थान, दिल्ली के अंदर, जब ध्यान रख जो, अरावली श्रेणी गुजरात में चे, राजस्थान में है और दिल्ली में भी है भैयाओं, ठीक है भैयाओं, आड़ो तिकाओं। अरावली श्रेणी च गुजरात में भी आवे, राजस्थान में भी आवे, दिल्ली में भी आवे, अब तीन जगह आ रही छे, ध्यान रख। माउंट आबू देख लियो, 1722 कहाँ पर छे? राजस्थान, राजस्थान राज्य में माउंट आबू छे। विंध्याचल श्रेणी कहाँ पर छे हो? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल श्रेणी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रख जो। क्वेश्चन यहाँ से आओगो अटूटी मत भाग जो। सतपुड़ा पहाड़ी देखो ता, सतपुड़ा, सतपुड़ा यानी सातपुड़ी, सातपुड़ा तो कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, देखो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ज़्यादा बना, इसलिए सतपुड़ा नाम पहाड़ी, सातपुड़ा की पहाड़ी है, या पहाड़ी यानी कि इसका नाम पड़ा, जैसे कि मान लो सातपुड़िया रहती होगी, इसलिए सतपुड़ा नाम पड़ा। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ी, महादेव यानी महादेव का मंदिर जरूर होगा उस पर, तो कहाँ? धूपगढ़, 1750 सॉरी 1350 मध्य प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना धूपगढ़ है 1350, और महादेव पहाड़ी भी इसका नाम है। मेकाल पहाड़ी, मेकाल, मेकाल कहाँ पर है? अमरकंटक, 1036 मध्य प्रदेश के अंदर है फ्रेंड्स। मेकाल पहाड़ी कहाँ पर है? अमरकंटक, 1036 मध्य प्रदेश में। राजमहल की पहाड़ी, अब देखो राजमहल यानी कि देखो झारखंड,
ये झारखंड च ना राजमहल, है ना, ध्यान रखना, राजमहल झारखंड, राजमहल झारखंड। तो राजमहल पहाड़ी कहाँ पर है? झारखंड में। सतमाला यानी कि सात माला पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र सात माला पहनता है। तो इस तरह से ध्यान रखना, महाराष्ट्र सतमाला पहाड़ी। अजंता श्रेणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। देखो अजंता की जो बेर तस्वीरें हैं यानी कि जो शिला लेख हैं, शिला लेख शिला चित्र जो बने हुए हैं, तो वो कहाँ सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफाएं वो भी महाराष्ट्र में ही है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। तो अजंता अजंता इससे महाराष्ट्र ध्यान रखना। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा, महेंद्रगिरी। महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो महगिरी है नहीं, गिरी पर्याय से शब्द है किसका? इसका पहाड़ी का। तो महेंद्रगिरी, महेंद्र एक व्यक्ति का नाम भी होता है, महेंद्र भगवान का नाम भी होता है, तो कहाँ पर है? उड़ीसा, ध्यान रखना। महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, मैं से ध्यान रखना, महाराष्ट्र महाबलेश्वर। नीलगिरी, नीली है जो पहाड़ी, कहाँ पर है? तमिलनाडु, है ना, ध्यान रखना, तमिल नीली है, तमिलनाडु कहाँ पर? तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी, अन्ना 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 यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अन्ना रहते हैं, क्या करते हैं अन्ना। 1695 इसकी 1695 ऊंचाई है इसकी, अन्नामलाई। छोटा नागपुर का पठार, देखो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है भाया, झारखंड में है, झारखंड में जाओ और छोटो नागपुर देख रहा हो, ठीक है, यानी कि पठार छ छोटो नागपुर। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, बुंदेल जाऊंगा मैं तो, एक बुंदी नागोखंड च मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में बुंदेलखंड को पठार आ चुका हूँ। बघेलखंड को पठार ओनली मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड तो यूपी में और एमपी में, एमपी और यूपी, तो बघेलखंड आ चुका मध्य प्रदेश में, तो इसलिए ध्यान रख जब आया हूँ, क्वेश्चन जरूर आओगे यहाँ से। तेलंगाना को पठार किसकी बात करें? तेलंगाना, तेलंगाना का पठार कहाँ पर है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी के, अब नर्मदा कहाँ निकलती है? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश नर्मदा के दक्षिण में, कहाँ पर है? जो नर्मदा नदी है ना उसके दक्षिण में है तेलंगाना का पठार, और आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। मैसूर को पठार चबाया हो कर्नाटक में, अब देखो कर्नाटक मैसूर हो रहे हो, मैसूर हो रहे हो ना, हो रहे हो मैसूर, हो गया मैसूर तो कर्नाटक में। दोदा बेटा है, दोदा बेटा केरल में, तमिलनाडु में, दोनों जगह दोदा बेटा है। अब देखो आधा हिस्सा केरल का हो जाता है, आधा हिस्सा तमिलनाडु का हो जाता है, तो दोदा बेटा, दो दो इसके दो दो बेटा है, दोदा बेटा कहाँ पर है? दोदा बेटा है केरल या तमिलनाडु में। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? इलायचियाँ ज़्यादा हो यहाँ केरल में, तमिलनाडु में, ध्यान आ जाओ। इलायची की पहाड़ियाँ यानी कि इलायची की खेती हुई उन पहाड़ियाँ पर, इसलिए इलायची की पहाड़ियाँ। डाफला, डाफला जाओ, डाफला, डाफला की पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी दोस्तों अरुणा, अरुणाचल, अरुणा नाम की लड़की रहती है और डाफला दोनों दोस्त हैं, तो क्या है अरुणाचल प्रदेश देश है, तो सॉरी राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला पहाड़ियाँ, ठीक है। मिसमी पहाड़ियाँ हैं, मिसमी तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मिसमी पहाड़ियाँ हैं, मिसमी 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 अरुणाचल अरुणाचल अरुणाचल। मिकिर पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में, मिकिर, मी मी मिकिर। लुसाई पहाड़ी है मिजोरम में, लुसाई लुसाई। मिकिर अरुणाचल प्रदेश में, भूलना मत, मिक्केर अरुणाचल प्रदेश में, मिशमी है अरुणाचल प्रदेश में, और डाफला है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुण अरुणाचल अरुण अरुणाचल डाफला मिशमी मिक्केर लुसाई है मिजोरम में, ध्यान रखना। लुसाई, लू लू लगती है ना गर्मी, तो शाही लुसाई कहाँ पर? मिजोरम में। गाडविन ऑस्टिन चोटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। अब देखो इसका केटू भी बोलते हैं, के टू कहाँ पर है? केटू जम्मू में, कार्ड दी केटू। तो गाडविन ऑस्टिन चोटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना।
कंचनजंगा की बात करते हैं, कंचनजंगा सिक्किम में, कंचन है कंचन, तो कहाँ पर है, सिक्किम में फ्रेंड्स, ध्यान रखना। तो वीडियो कर रख तो फ्रेंड्स इस तरह की ये वीडियो थी, और अगली वीडियो में पढ़ेंगे अपन क्या बोलते हैं जो, देखो इसको और देख लेते हैं, जास्कर, नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, इसमें पढ़ते हैं अपन काराकोरम, कैलाश श्रेणी कहाँ पर है, ये तो पढ़ लिया था, भारत चीन, लद्दाख श्रेणी है भारत जम्मू कश्मीर, जैसलमेर श्रेणी जम्मू कश्मीर, फिर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, नंगा जम्मू कश्मीर, कामेत, नंदा देवी, धौला गिरी, धौला गिरी यानी धौली है जो गिरी, सफ़ेद है जो पर्वत हिमाचल प्रदेश, गुरु शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में। अब देखो ये हो गया आपके, ये रिपीट मैंने कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह से वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और बिल्कुल फ्री वीडियो है, अच्छे से देखो, बार बार देखो, सब याद हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।